तो मिलते ही नहीं, जब मिलते हैं तो कतराते हैं। एक तो मिलते ही नहीं, जब मिलते हैं तो कतराते हैं। हाय मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं, हाय मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। क्या करूं रूठी है जिंदगी मुझसे, क्या करूं रूठी है जिंदगी मुझसे। आशियां बनने के पहले ही उजड़ जाते हैं, आशियां बनने के पहले ही उजड़ जाते हैं। कि जिंदगी जीने का अंदाज अभी बाकी है, जिंदगी जीने का अंदाज अभी बाकी है। गौर से सुन मेरी आवाज अभी बाकी है। जिस कहानी का है अंजाम हकीकत होना, उस कहानी का तो आगाज अभी बाकी है, उस कहानी का तो। मैं ये मानता हूं कि मैं ये नहीं कहता बहुत मीठा मैं गाता हूं, मैं ये नहीं कहता बहुत मीठा मैं गाता हूं। मैं अपनी शब्द वीणा से सभी का मन रिझाता हूं कि अनाड़ी हूं मगर मुझको मोहब्बत का सलीका है, अनाड़ी हूं मगर मुझको मोहब्बत का सलीका है। जहां सब छोड़ देते हैं वहीं से मैं उठाता हूं। एक शेर यूं था कि सोने चांदी के गहने भी नहीं देखता मैं, सोने चांदी के गहने भी नहीं देखता मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखता मैं, सोने चांदी के गहने भी नहीं देखता मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखता मैं। कि अपनी माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखता मैं। मेरी एक कविता है तीन बन की है, सुन लीजिएगा। और मैंने इस विषय पे लिखा है कि मैं लेखक क्यों बनना चाहता हूं, मैं क्या लिखना चाहता हूं। हाजिर करता हूं कि इन टूटे सपनों की मैं जंजीर लिखना चाहता हूं, इन टूटे सपनों की मैं जंजीर लिखना चाहता हूं। मैं भारत माँ का लाल माँ की पीर लिखना चाहता हूं, इन टूटे सपनों की मैं जंजीर लिखना चाहता हूं। मैं भारत माँ का लाल माँ की पीर लिखना चाहता हूं। कि कभी वर्तमान और अतीत लिखूं, कभी वर्तमान और अतीत लिखूं, कभी मिलन जुदाई प्रीत लिखूं, कभी छंद सोरठा गीत लिखूं, कभी कृष्ण सुदामा से मीत लिखूं। सूरदास तुलसी और मीरा, सूरदास तुलसी और मीरा, कबीर लिखना चाहता हूं। मैं भारत माँ का लाल माँ की पीर लिखना चाहता हूं, मैं भारत माँ का लाल माँ की पीर लिखना चाहता हूं। फूलों जैसे चेहरों पर भी जहर भरी नफरत है, फूलों जैसे चेहरों पर भी जहर भरी नफरत है, सहमा सहमा हर एक मौसम हर घर में दहशत है। फूलों जैसे चेहरों पर भी जहर भरी नफरत है, सहमा सहमा हर एक मौसम हर घर में दहशत है। उस द्रौपदी के चीर हरण की, उस द्रौपदी के चीर हरण की चीर लिखना चाहता हूं। मैं भारत माँ का लाल माँ की पीर लिखना चाहता हूं, मैं भारत माँ का लाल माँ की पीर लिखना चाहता हूं। आखिरी बंद है कि सच जो पूछिए तो कविताएं क्यों लिखना मैं चाहूं, सच जो पूछिए तो कविताएं क्यों लिखना मैं चाहूं।
अपने उद्गारों को जग में रोशन करना चाहूं। सच जो पूछिए तो कविताएं क्यों लिखना मैं चाहूं, अपने उद्गारों को जग में रोशन करना चाहूं। अपनी कलम से खुद अपनी, तकदीर लिखना चाहता हूं। मैं भारत माँ का लाल माँ की पीर लिखना चाहता हूं। आखिर में एक दो शेर और सुनाना चाहता हूं अगर इजाजत हो तो। शेर ये था कि आदमी जो भी इंसान शायर कैसे बनता है उस पर मेरा ख्याल है कि दिल लगाना बहुत जरूरी है, प्यार पाना बहुत जरूरी है, गीत लिखने के वास्ते दिल का टूट जाना बहुत जरूरी है, कि अब पहली सी जिंदगी न रही, अब के बंदों में बंदगी न रही, शायर बनने के वास्ते लोगों चोट खाना बहुत जरूरी है, बस आखिरी शेर सुनाना चाहूंगा, इसके बाद आपसे विदा चाहूंगा। ये शेर मेरे अपने लिए है कि ख्वाफ मुझको नहीं अंधेरों का, उनको ऐसे शिकस्त देता हूं, कि उजाला जब भी देखना चाहूं दिल की आंखों से देख लेता हूं। आखिरी की चार लाइनें ये हैं, भगवान ने मुझे ये चुनौती दी है लेकिन इसके बाद भी मुझे इस बात का फक्र है, इस पे आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा कि आंखों में नहीं दिल में मेरे नूर छुपा है, राजी हूं उसी में जो मेरे रब की रजा है, ये गम नहीं शीशे को सभी देख रहे हैं, मैं खुश हूं कि आईना मुझे देख रहा है, रखा तूने महरूम उजाले से मालिक, मैं फिर भी नहीं टूटा तू ये देख रहा है, धन्यवाद।